ऑस्ट्रेलिया के बाद आप आईपीएल से भी गई स्टीव स्मिथ की कप्तानी, रहाणे को मिली राजस्थान की कमान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में वार्नर को बाहर बिठाएगा और बेईमान खिलाड़ियों पर बैन की भी तैयारी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ जेम्स सदरन भी पहुंचे केप टाउन, जॉन्स समिति से तथ्यों को इकट्ठा कर फैंस के सामने बुधवार को रखने का वादा किया है। आज तक से खास बातचीत में बोले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बोलिंग कोच आशीष नेहरा, स्मिथ पर लाइफ बैन लगाना जरूरत से ज्यादा कड़ी सजा होगा। केपटाउन बॉल टैंपरिंग कार्ड के बाद एक और विवाद में घिरे बैंकक्रॉफ्ट, एशीज के दौरान बैंक में चीनी रखने का वीडियो वायरल होने के बाद बैंकक्रॉफ्ट की भूमिका को लेकर उठे सवाल। न्यूजीलैंड ने जीता ऑकलैंड डे नाइट टेस्ट, इंग्लैंड को पारी और 49 रन से हराकर इस सीरीज में 1-0 से आगे। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। क्रिकेट की सफाई करनी है तो उस सफाई की शुरुआत, उस सफाई का आगाज आईपीएल से क्यों ना हो। क्यों खेलेंगे बेईमान खिलाड़ी आईपीएल? हालांकि बॉल टैंपरिंग कांड में अब एक नया और ताजा अपडेट है। आप जानते हैं कि दोपहर को राजस्थान रॉयल्स ने कप्तानी ले ली थी स्टीव स्मिथ की। उस वक्त हैदराबाद ने कहा था कि वेट एंड वॉच करेंगे, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की फिलहाल जांच चल रही है। केप टाउन में एक एक कर वो खिलाड़ियों से मिल रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि अगले 48 घंटे में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, इन दोनों पर बैन लगाया जाएगा, क्रिकेट से बैन लगाया जाएगा। 1 साल का बैन हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, बैन लंबा भी हो सकता है। और यह बैन क्रिकेट पर लगाया जाएगा, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर नहीं। ऐसा होता है तो फिर आईपीएल से भी इन दोनों की छुट्टी समझिए। सिर्फ कप्तानी नहीं बल्कि आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट भी डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ दोनों के जाएंगे। इस लिहाज से बड़ी खबर यही है कि जो हम पूछ रहे थे आज तक पर कि बेईमान खिलाड़ी कब तक, शायद उसका जवाब आईपीएल या बीसीसीआई नहीं देगा, उसका जवाब खुद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया देगा। हरभजन सिंह है मेरे साथ। अब बच्चों, 24 घंटे पहले मेरी आपसे बात हुई थी तब आपने कहा था कि बेईमान खिलाड़ियों की जगह नहीं होनी चाहिए, लगता है कि इन दोनों पर बैन लगाया जाएगा। ये जांच समिति अगले 48 घंटे में फैसला सुनाएगी, लगता तो यही, अगर बैन होगा तो आईपीएल भी ये दोनों नहीं खेल पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कड़े कदम उठाएगा इन दोनों के कैरियर को लेकर के, मुझे लगता है कि कैरियर के ऊपर ज़्यादा इनके दबाव नहीं डालना चाहिए। यस, कुछ ना कुछ तो बैन जरूर लगेगा, अगर थोड़ा भी बैन लगता है तो वो आईपीएल के लिए इनका खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर राजस्थान रॉयल जो है वो मुझे नहीं लगता है वो चांस लेना चाहेंगे, क्योंकि वो दोबारा 2 साल बाद आए हैं और वो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा पंगा लेंगे जिससे कि उनकी टीम की छवि खराब होगी और कहीं ना कहीं ये दोनों प्लेयर का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और ये नुकसान के भागीदार जो है वो खुद ही बने हैं, क्योंकि जिस अंदाज से ये पूरा एपिसोड चला है उससे यही जाहिर होता है कि ये लीडरशिप की बात, जो लीडरशिप की बात हो रही थी कि लीडरशिप कौन है, वो लीडर्स स्टीव स्मिथ हैं, डेरन लिमन है और डेविड वार्नर है और सीनियर खिलाड़ी होंगे और पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व है। और अगर आप पूरी टीम को ये निर्देश देते हो एज ए कैप्टन कि हम ये जो है वो चीज करने जा रहे हैं, और अगर ऐसा करने में 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी इन्वॉल्व है, मैं नहीं मानता हूँ। इसमें खिलाड़ियों को पता होता है हम क्या करने वाले हैं, हर कप्तान बोलता है कि अगला 2 घंटे का सेशन हम ऐसे खेलेंगे या फिर कोच बताता है कि हम ऐसे क्रिकेट खेलेंगे अगला 2 घंटे के लिए, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत नुकसान होगा। और जो कि ये आईसीसी तो बहुत हल्के में छूट गए हैं, बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगर वो वाकई में अपनी क्रिकेट के लिए राइट एग्जांपल सेट करना चाह रहे हैं तो ये उनके पास बहुत बड़ा मौका है। और ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ना कूदे होते, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ना कूदी होती तो आज ये हालत नहीं होती। आज इन खिलाड़ियों को फाइन, बैन के, एक टेस्ट मैच के बैन के बाद छोड़ दिया जाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार अब ये चाहती है कि चीट्स, बेईमान खिलाड़ियों की जगह उनकी सोसाइटी में ना हो, वो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। इस लिहाज से खबर यह है फिलहाल इस वक्त कि अगले 48 घंटे में इन दोनों खिलाड़ियों पर
बैन की घोषणा करेगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, और अगर बैन होता है तो हो सकता है इन दोनों का अगले साल का वर्ल्ड कप भी जो है वो मिस हो जाए। इसके साथ ही हो सकता है 2-3 और खिलाड़ी हो जिन पर बैन लगाया जा सकता है। ये तो चीनी जेब में डाल रहे हैं, ये खाने के लिए तो डाल नहीं रहे, कहीं फिर वही बात तो नहीं है कि चीनी जेब में है और जेब भर लो चीनी से, जो कि थोड़ी अग्रेसिव होती है, रफ होती है, और गेंद को जेब में डाल के ऐसे खुर्च दो, कहीं इसी के लिए तो नहीं है कहीं? देखिए कुछ भी पॉसिबल है, और ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा। हाँ। क्योंकि अगर आप एक बार चोरी करने लगते हो तो फिर बार बार चोरी करने के आप डिफरेंट तरीके ढूंढते हो, और ये उनमें से एक तरीका हो सकता है जो कि बिल्कुल जायज बात है। चीनी अपनी जेब में डाल के कौन लेके जाता है? और चीनी खाने का शौकीन जब बच्चा होता है, 2-3 साल का बच्चा होता है, उसके बाद चीनी खाने का कोई ऐसा शौकीन नहीं होता, क्योंकि चीनी की और बड़ी चीजें हैं जो आप खा सकते हो, जैसे आपने कैंडी की बात करी, तो ये खाने के लिए नहीं, ये ऐसे करके रगड़ के जैसे आप बोल रहे हो ना, उससे बॉल को रगड़ने के लिए होगी। और यस, बॉल ये पहली बार नहीं बना होगा, जिस जब जब ऑस्ट्रेलिया ने या साउथ अफ्रीका ने या इंग्लैंड ने, किसी ने भी, या इंडिया ने रिवर्स स्विंग बनाया होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बट उसके सही तरीके भी हैं, बट ये जिस तरीके से कर रहे हैं ये गलत तरीके हैं, जो कि बुक्स में भी लिखे हुए हैं और उसकी सजा भी लिखी हुई है, और ये बहुत हल्के में छूट गए हैं। आईसीसी ने कहीं ना कहीं ये अपना बड़ा प्यार वाला रुख दिखाया है यहाँ, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, बात को ठंडा डाल दो, पर ये बात ठंडा डालने वाली है नहीं, क्योंकि दिस इज व्हाट इज चीट, और चीट की सजा जो होनी चाहिए वो तो जरूर मिलनी चाहिए। मुझे बैन किया गया था बिना कुछ किए, बिना कहीं दिखाए, तो कोई एविडेंस के बिना मुझे 3 मैच का बैन लगा दिया था, और यहां तो सारे एविडेंस हैं आपके पास, और फिर आप बैन ही लगा रहे हो, और उस पर नहीं लगा रहे हो जो रगड़ रहा है बॉल, सिर्फ कप्तान को बैन कर दिया, ये तो कमाल की बात हो गई। सही बात है, वो बच्चे को कह दिया बैंक्रॉफ्ट को कि कभी चीनी जेब में डालते हो, कभी पीली टेप से बॉल टैम्परिंग करते हो, कोई बात नहीं, लूज चेन जेब से निकालो, 75% जुर्माना दे दो, और आगे भी ये सब करते रहो। लेकिन अगर सरकार, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ना कूदती, ऑस्ट्रेलिया का स्पोर्ट्स कमीशन ना कूदता, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर इतना प्रेशर ना, बाद में कर लेंगे जुर्माना जो होगा। सही बात है। नहीं अच्छा भाजू, मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूं कि आईपीएल में भी भाई, हम आईपीएल में क्यों बेईमान खिलाड़ियों को जगह दे? आपने राजस्थान रॉयल्स ने कप्तानी आज ले ली स्टीव स्मिथ की, अच्छा किया। हैदराबाद कह रहा है कि हम इंतजार करेंगे 48 घंटे। मेरा सवाल आपसे यह है कि मोहम्मद शमी की बीवी ने जिस दिन इल्जाम लगाया उसी दिन उनका कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया गया। भाई मैच फिक्सिंग के एलिगेशन तो लगे नहीं थे तब तक, तो ऐसा क्यों नहीं कि आईपीएल खुद से फैसला ले, ये टीमें कहें कि हम बेईमान खिलाड़ी को नहीं रखना चाहते, क्यों इंतजार कर रहे हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फैसला ले फिर हम फैसला लें? ये देखिए, मुझे लगता है कि ये एक सही तरीका भी है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्या नतीजा लेती है, क्या करना चाहती है, वो एक बार सामने पिक्चर जो है वो क्लियर आ जाएगी, तो ये हमारे लिए, बीसीसीआई के लिए या आईपीएल के लिए डिसीजन लेना और भी आसान हो जाएगा। क्योंकि जो इसकी एक्चुअल बॉल टेम्परिंग की जो सजा है वो तो कुछ भी नहीं है क्रिकेट के अंदर, इसको अगर देखा जाए तो ये आज नहीं कल नहीं, ये कभी ना कभी तो क्रिकेट के नियमों के खिलाफ तो है ही है, और जितनी सजा उसके लिए उसको मिलनी है वो तो जरूर मिली है, और मुझे लगता है वो कम मिली है। बट एनी हाउ, वो ये जरूर देखना चाहेगी आईपीएल की हमें अपनी छवि खराब करनी है और या नहीं करनी है, क्योंकि हमें ऐसे दागी प्लेयर को खिलाना है जो कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने अगर इनको बैन कर दिया तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आईपीएल या बीसीसीआई इनको वेलकम करेगी यहाँ पे खेलने के लिए, जो कि एक इन दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत 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 बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व है, इन दोनों खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े हैं, और साथ साथ ये दोनों खिलाड़ी कप्तान भी है, कप्तानी से भी जाएंगे, पैसे से भी जाएंगे, और जो इज्जत गवाई है वो तो सबसे बड़ी चीज है जो गवाई है। बिल्कुल सही बात, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। $1 बिलियन का इस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का टीवी राइट्स का मसला चल रहा है, लेकिन अगर बदनामी ऐसी रही ना, वो $1 बिलियन ऐसे ही जो है वो पहाड़ पर से नीचे गिर जाएंगे और पैसा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बात वही है जो जिस तरह से भजू ने कहा, देखिए मैच फिक्सिंग सबसे बड़ा गुनाह है, उसके बाद अगर आप डोपिंग और बॉल टैम्परिंग को गुनाह नहीं मानते तो आप गलत है। लांस आर्मस्ट्रांग से बड़ा साइक्लिस्ट तो कोई नहीं था, डोपिंग हुई धब्बा लग गया, ऐसे में बॉल टैम्परिंग को आप कह दें एक मैच बाहर बैठ जाओ ठीक है, वो गलत है। हालांकि आशीष नेहरा से यही सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा देखिए जो सजा देनी है दे दो, लेकिन इन पर लाइफ बैन मत लगाओ।
तो उन्होंने गलती करी है तो उन्होंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी छोड़ दी है। दोनों ही बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, अगर बतौर कप्तान भी नहीं खेलते एज ए खिलाड़ी भी खेलते हैं तो उन फ्रेंचाइजियों को बड़ा फायदा देने वाले हैं। चाहे वो डेविड वार्नर, मैं उनके साथ दो साल खेला हूं सनराइजर में भी, तो गलती हुई है उन्होंने मान ली है तो वी शुड मूव फॉरवर्ड। मेरे हिसाब से लाइफ बैन अगर, बिकॉज अगेन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आई एम नोबडी, की मैं नहीं हूं कि वहां पे करता धरता, बट लाइफ बैन विल बी वेरी हार्श मेरे हिसाब से, कि वो इन दो प्लेयर्स के लिए नहीं किसी के लिए भी, कि अगर आपने बॉल टेम्परिंग करी और आपने मान ली और लाइफ बैन, दैट विल बी टू हार्श। चलिए आज एजेंडा भी यही है हमारा यूट्यूब स्पोर्ट्स तक पर, कि क्या ये बेईमान खिलाड़ी उन पर लाइफ बैन लगना चाहिए। लाइफ बैन बहुत बड़ी बात है मानते हैं, और ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही लगाएगा जो भी लगाएगा अगले 48 घंटे में, लेकिन सवाल यह है कि क्या लाइफ बैन होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार इसमें कूद गई है। वो चाहते नहीं है कि उनकी सोसाइटी में बेईमान खिलाड़ी इस तरह छाती चौड़ी करके घूमे, जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हमेशा चौड़ी करके घूमते हैं। ये 8 बजे होगा, YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सवाल भी लिए जाएंगे, साथ ही साथ कई दिलचस्प कहानी आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। मैं लौट रहा हूं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।